हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण दिव्य जड़ी बूटी जिसका नाम है नागदोन। संस्कृत में इसे नागदमनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यह प्लांट देखने में बहुत ही हरा भरा लगता है। यह ज्यादातर घरों के आसपास पार्क, गार्डन इत्यादि जगहों पर देखने को मिलता है। इस दिव्य औषधि में इतना चमत्कारी गुण है कि आप जानकर हैरान रह जाइएगा, क्योंकि इसे सब लोग देखते हैं, पहचानते हैं, पर इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर यह औषधि आपके घर के आसपास, घर के आंगन में या घर के अंदर हो, कितना भी विषैला सांप हो, वो आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेगा और न कभी आपके घर के इर्द गिर्द आएगा। दोस्तों, इस जड़ी बूटी के और अनेक बहुत सारे फायदे हैं जो एक एक करके आपको इस वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के पास सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, नागदौन जड़ी बूटी में इतनी ताकत है कि कितना भी पुराना बवासीर हो, खूनी हो या बादी, इसको ठीक करने में रामबाण की तरह काम करता है। इसके लिए नागदौन की 2 से 3 पत्तियों को तोड़कर उसमें 2 से 3 काली मिर्च मिलाकर पीस लें और 50 ml पानी में मिलाकर छान कर सुबह हफ्ते में 3 बार खाली पेट सेवन करने से बवासीर में तुरंत लाभ मिलता है। इसके अलावा महिलाओं में मासिक धर्म यानी हेवी ब्लीडिंग पीरियड की समस्या हो तो इसके लिए नागदौन की 3 से 4 पत्तियों को तोड़कर काली मिर्च के साथ पीसकर 1 गिलास पानी में मिलाकर छानकर पीने से मासिक धर्म की समस्याओं में बिल्कुल रूप से निजात मिलती है। दोस्तों, शरीर में गांठ जिसे हम लिकोमा बोलते हैं या फोड़े फुंसी घाव और सूजन की समस्या है तो इसके लिए नागदौन के पत्तों को तोड़कर इसे गर्म करके इस पर तिल का तेल लगाकर सेकाई करने से गांठ, फोड़े फुंसी, घाव, सूजन बिल्कुल रूप से ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा पेट में गैस, कब्ज की समस्या है, अगर आप इस समस्या से हमेशा परेशान रहते हैं तो नागदौन के 2 से 3 पत्तों को तोड़कर 1 काली मिर्च मिलाकर पीस लें और 1/2 गिलास पानी में मिलाकर छान कर सेवन करने से गैस, कब्ज की समस्या से बिल्कुल रूप से निजात मिलती है। इसके साथ ही अगर किसी के आंतों में इन्फेक्शन की समस्या है तो इसके लिए नागदौन की 2 से 3 पत्तियों को तोड़कर और दुधिया घास के पत्तियों के साथ मिलाकर पीस लें और इसका रस 1 चम्मच की मात्रा में निकालकर 1 गिलास पानी में मिलाकर हफ्ते में 3 बार सुबह खाली पेट सेवन करने से आंतों के इन्फेक्शन से बिल्कुल रूप से निजात मिलती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के शरीर में चर्मरोग की समस्या है तो इसके लिए नागदौन के डंठल या पत्तों को तोड़कर इसके दूध को चर्मरोग वाले स्थान पर लगाने से चर्मरोग से बिल्कुल निजात मिलती है। इसके अलावा गंजेपन की समस्या को दूर करने में नागदौन बहुत ही असरदार औषधि है। इसके लिए इसके डंठल या पत्तों को तोड़कर इसका दूध गंजेपन वाले स्थान पर लगाने से गंजेपन की समस्या से बिल्कुल निजात मिलती है। तो दोस्तों, ये थे नागदौन यानी नागदमनी के बेनिफिट। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और एक लाइक जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।